हेलो एवरीवन, गुड मॉर्निंग, वेलकम बैक टू माय चैनल ब्लॉग। अभी मॉर्निंग के बज रहे हैं 8:30 और मैं जस्ट ब्लॉग स्टार्ट कर रही हूँ और मैं लेके बैठी हूँ चाय। और ये मिल्क वाली चाय नहीं है, तुलसी वाली चाय और जो भी हम मसाले डालते हैं इसे, काली मिर्च वगैरह, वही वाली चाय है। और बस मैं अभी लेके बैठी हूँ। और कल का जो ब्लॉग था रात में, एक्चुअली क्या होता, काफ़ी ज़्यादा हमें लेट हो गया था, 11:30 हो चुका था, तो मैं ब्लॉग को कंटिन्यू नहीं कर पाई थी। और पूजा हुआ उसके बाद काफ़ी ज़्यादा टाइम लग गया था, सो मन भी नहीं हुआ और एकदम हिम्मत से नहीं थी कि मैं उसके आगे कुछ शूट भी करूँ, सो मैंने नहीं किया था, आधा अधूरा छोड़ दिया था। तो ये दूसरा ब्लॉग है। तो आज मैं मॉर्निंग टाइम का बताऊँ तो कल हमारे घर में थी पूजा। तो बस क्या था ना कि आज सुबह हमारे घर में खाना नहीं बनता है, झाड़ू नहीं लगता है, सब लोग काफ़ी लेट लेट 8 बजे हम उठे थे। और आज मेरे घर में आने वाली है देवरानी, तो वो भी मैं आप लोग को दिखाऊँ। थोड़ी देर बाद हमारे घर में खाना बनना स्टार्ट होगा, तो बस वो आज आने वाली है और आगे मैं आपको ब्लॉग्स में दिखाऊंगी। और बहुत सारी तैयारियां करनी है खाना वाना का, तो अब भी नहीं बनेगा, थोड़ी देर बाद बनेगा, ठीक है, फिर बाद में मिलती हूँ आप लोगों से। और यहाँ मम्मी लेके आई हैं फ्रेश धनिया और काफ़ी ज़्यादा अच्छा है, इससे चटनी हमारे घर में बनेगी। और यहाँ पे आप देख रहे हैं मैं यहाँ पे रखी हूँ सिलबट्टे पे इसको। और एक मेरी सब्सक्राइबर है जिनका कमेंट्स आया था कि वो बोल रही थी कि आप इस पे चटनी या फिर कुछ भी पीस के दिखाना, तो मैं आगे के ब्लॉग्स में दिखाऊँगी। यहाँ पर मैंने स्पर्श को निकाला था सोन पापड़ी, तो वो बस खाने के लिए, उसको फेवरेट है सोन पापड़ी, तो मैंने उसको दिया था। एंड जो पूड़ी बची हुई थी उसको हम गरम करने जा रहे हैं, तो मम्मी ने, क्योंकि आज ना सुबह का खाना नहीं बनता है, तो हम सोचे कि चलो इसी को हम ब्रेकफास्ट कर लेते हैं, तो बस इसको मैं गरम कर रही थी। और अभी सुबह का ही टाइम था और ये जो भी है गरम करके हम खा लेंगे, रात का ही है। और आज दोपहर को खाना बनाऊंगी, फिर शाम को फिर खाना बनेगा, ऐसा होता है। तो बस इसको गरम कर ले रही हूँ। और यहाँ पे थोड़ी थोड़ी धूप भी आ गई है किचन में, क्योंकि सुबह के टाइम ना थोड़ी धूप आती है एंड उसके बाद फिर धूप नहीं आती है। तो जो भी यहाँ पे मैंने मिल्क भी रख दिया है गर्म होने के लिए। एंड ये जो है ना गुड़ वाली, आप बहुत सारे लोग ना मीठी राइस भी बोलते हैं, मीठी चावल बोलते हैं, एंड इसको मैं तवे पे ही वो कर ले रही हूँ। और उसके बाद ये भी सुबह का ही टाइम था, मैं यहाँ पे कुछ लिखने के लिए बैठी थी, जैसा कि आप लोगों ने देखा होगा मेरे कम्युनिटी टैब या फिर स्टोरी पे या फिर इंस्टाग्राम पे, तो मैंने कुछ लिखा था मदर्स डे के लिए। तो ये मेरे को जिस कंपनी के साथ मैं काम करती हूँ, जैसे मैंने गुड स्वाइप के रिव्यू वगैरह करती हूँ, और भी कंपनी है, उन लोगों ने मेरे से मांगा था कि आप अपनी मॉम के लिए कुछ लिख के दो, आप एक वीडियोस बना के दो, वो अपने साइट पे डालना चाहते थे, अपने जो भी ऑनलाइन शॉपिंग वाली साइट है वहाँ वो लोग डालना चाहते थे। तो बस मैं वहीं तैयारी कर रही थी और बस मैं वीडियोस तो अभी नहीं बना पाई थी अभी फ़िलहाल में लिखने की। तो जो भी मैं स्पर्श के लिए स्केच और कॉपी मंगाई थी वही मेरे पास था, तो वहीं मैं यहाँ पर लिख रही हूँ। और जो भी मैंने लिखा है वो मैं आगे आप लोग को दिखाऊँगी, और सब लोगों ने देख लिया होगा कम्युनिटी टैब पर। तो यहाँ पर स्पर्श मेरे साथ ना वो भी लिख रहा था, साइड में मैंने उसको कॉपी दिया था, तो ये बस मैंने लिख लिया है। एंड इसमें ज़्यादा टाइम नहीं लगा था, 2-3 मिनट ही ऐसा लगा, जो मेरे माइंड में आया था वही मैंने लिख दिया था। उसके बाद हम लोग कर लेंगे ब्रेकफास्ट, एंड उसके बाद मेरी देवरानी आ चुकी है यहाँ पे देखिए, और वो बस अभी तुरंत तुरंत आई है। तो मैंने थोड़ा सा शूट किया था, एक्चुअली मैंने शूट किया था ज़्यादा, लेकिन कैमरा ही ऑन नहीं हुआ था, पता नहीं क्या हुआ। एंड यहाँ वो जा रही, मैंने उसको बोला कि एक नज़र इधर भी देख लो। एंड यहाँ पर मेरे देवा जी बैग्स वगैरह लेके जा रहे हैं। और उसके बाद का ये टाइम था, मम्मी स्वीट्स वगैरह जो भी था ना, ये बेल है, और बेल तो हमारे घर में बहुत सारा आया था, लेकिन वो भी लेके आई है, उसके घर पर होता है। तो यहाँ पे देखिए, यहाँ पे बहुत सारी चीज़ें हैं जैसे फ्रूट्स वगैरह हैं, और यहाँ मम्मी रूम में जा रही थी, तो यहाँ पे है मेरी देवरानी और यहाँ वो खड़ी हुई है अपने दरवाजे के पास। एंड मम्मी जो भी फ्रूट्स थे, स्वीट्स में सोन पापड़ी था, तो उसी को निकाल के सब लोग, हम लोग एक एक ले रहे थे। और फ्रूट्स वगैरह सब कुछ वॉश करना पड़ेगा, वैसे तो उसने बोला था कि बाहर रख दिया गया था एक दिन पहले, तो बहुत सारे लोगों को इस ब्लॉग का वेट था कि आपकी देवरानी कब आएगी, तो बस आज मैंने आप लोग को दिखा दिया। एंड यहाँ पर मैं तैयार होने जा रही थी,
मुझे वीडियो शूट करनी थी, सो मैं यहाँ पे रेडी हो रही थी। तो मैं वीडियो शूट करती हूँ तो नीचे का मैं चेंज नहीं करती हूँ, जाएगी सिर्फ कुर्ती कुर्ती चेंज कर लेती हूँ, क्योंकि फिर पूरा वीडियोज़ तो मुझे बनाना नहीं होता है। सो मैं इस तरीके से ही रेडी होती हूँ, और मैंने कुछ नहीं किया है, जस्ट मैं सोची कि चलो यहाँ पर मैंने थोड़ा सा फेस पर कुछ लगाया एंड लिपस्टिक लगाई, ईयर रिंग्स तो चेंज करना मुझे बहुत ईजी लगता है, क्योंकि बस ऐसे ही मैं पहनती हूँ। एंड यहाँ पर मैंने पीने जा रही थी बेल वाली शरबत, तो यहाँ पर जो ट्रे में देख रहे हैं पापा के लिए एंड मेरे देवर के लिए, और ये उसके बाद का टाइम था। मैं यहाँ पे बेडशीट चेंज कर रही हूँ, क्योंकि स्पॉस इस पर पानी गिरा दिया, जब भी मैं उसको देती हूँ ना पानी पीने के लिए, पता नहीं क्या करता है, गिरा देता है, उससे अनजाने में गिरता है, पता नहीं क्या करता है। तो बस यहाँ पे मैं बेडशीट चेंज कर रही थी, और इसके नीचे मैंने एक पॉलीथीन भी मैंने डाल दिया है, क्योंकि वो रोज़ का उसका काम हो जाता है, तो मैंने पॉलीथीन भी एक पिंक कलर का मैंने डाल दिया है कि गिराएगा तो, इसलिए वजह से ना गद्दा भी बच गया मेरा, और उसको धूप में नहीं डालना पड़ा, बस ऊपर का मैंने बेडशीट हटा दिया और बस वो काम चल गया मेरा। तो पॉलीथीन डालने का यही फ़ायदा हो गया। एंड यहाँ पर मैं पिलोज कवर लगा दे रही हूँ उसका, क्योंकि ये जो पहले लगा हुआ है ना, इसका बेडशीट मैंने आप लोग को दिखाया था, वो भी है, लेकिन वो आजकल मैं डाल नहीं रही हूँ, और बस यहाँ पे मैंने बेडशीट डाल दिया है। ये कल पूजा हुई थी, उसमें का जो कलश के ऊपर कलावा था ना, उसको मैं मम्मी ने बोला कि बाबू को गले में पहना दो, तो मैंने इसको गले में ना पहना के मैं हैंड में, एक्चुअली मैं गले में ट्राई कर रही थी, लेकिन तुरंत निकाल के फेंक देते, तो मैं सोची कि चलो हैंड में बांध देती हूँ, और हैंड में भी ज़्यादा देर तक टिकने वाला नहीं है, कुछ देर का मेहमान है, या तो सुबह तक या फिर शाम तक ही गायब हो जाएगा इनके हाथ से। तो बस फिर भी मैं इसको बांध दे रही हूँ कि कुछ देर तक तो ये पहना रहे, एंड उसके बाद यहाँ पर एक्स्ट्रा जो था उसको मैं कट कर रही हूँ। और ये था शाम का टाइम, और मैं यहाँ पे बनाने जा रही थी छोले, और आज हमारे घर में छोले बनने वाले हैं इवनिंग टाइम में, मतलब रात का जो डिनर है वो। तो यहाँ पे मैं सबसे पहले इसको इसमें मम्मी ने ना इसी में भिगोया था, तो मैं इसमें प्रेशर कुकर में डाल दे रही हूँ, और कई बार तो मैं सोडा डाल के भी बॉयल करती हूँ, लेकिन कई बार मैं नमक डाल के भी बॉयल कर देती हूँ। तो बस इस तरीके से छान ले रही हूँ, और ये जो पानी था इसको मैं थ्रो कर दूँगी, और लेकिन क्या होता है ना, कई बार जब बॉयल करते हैं वो पानी हम यूज़ कर लेते हैं, कभी कभी यूज़ करती हूँ कभी नहीं यूज़ करती हूँ, लेकिन वैसे तो यूज़ कर लेना चाहिए। तो मैं यहाँ पे देखिए मैं थोड़ा सा नमक डाल रही हूँ, और वहाँ विंडो से आपको दिख रही होगी आंगन में मेरी देवरानी, एंड यहाँ पे मैं इसको रख दे रही हूँ गैस पे, और 2 या 3 सीटी मैं लगवा दूँगी। इससे क्या होते हैं ना, जो चने होते हैं अच्छे से सॉफ्ट हो जाते हैं, और फिर बनाने के टाइम ज़्यादा हमें सीटी नहीं लगाने होते हैं, तो बस लेकिन क्या होता है सोडा डालने से जल्दी सॉफ्ट हो जाते हैं, लेकिन वो चीज़ हुआ नहीं था। यहाँ पर नींबू था तो मैं उसको ले जा कर फ्रिज में रखी, एंड यहाँ पर शाम के बज गए हैं 5, और जस्ट मैं अभी किचन से आई, एंड मेरी देवरानी आ चुकी है, तो मैं उसको बाद में आप लोगों को दिखाऊंगी, और मैंने जब वो आई थी तब मैं आप लोगों से दिखाई थी, तो वो बस आ चुकी है, और प्लेन रोटी बनेगी और राइस बनेगा थोड़ा सा हमारे घर में, और थोड़ी देर पहले हम लोगों ने सबने बेल के शरबत पिए, तो मुझे उतना पसंद नहीं आता है, लेकिन मम्मी डांट डांट के मेरे को पिलाई है, तो चलो ठीक है पी लिया, लेकिन बहुत ज़्यादा यम्मी मुझे नहीं लगता है। आप लोगों में से किसको किसको अच्छे लगते हैं? और उसमें थोड़ा सा मम्मी ने चीनी डाल के बनाया था, मुझे एक्चुअली उसका शरबत बनाने नहीं आता है, और मुझे अजीब सा लगता है देखने में भी, उसमें वो चिपचिपा होता है ना, इस वजह से मुझे ठीक नहीं लगता है। चलिए बाद में देखते हैं। और यहाँ किचन में आ गई हूँ, मैं बनाने जा रही हूँ छोले, एंड यहाँ भी मैंने मस्टर्ड ऑयल डाल रही हूँ,
क्योंकि मस्टर्ड ऑयल में ही ज़्यादा अच्छा लगता है। कोई भी सब्ज़ी बनाओ, हमारे घर में मस्टर्ड ऑयल यूज़ होता है। एंड यहाँ पे कुकर बहुत ही अच्छी तरीके से गर्म हो जाना चाहिए। एंड उसके बाद मैं इसमें ये वाला जो है ना, उसमें कम था मस्टर्ड ऑयल, और ये बोतल में भी मैंने रख दिया था इस डब्बे में, तो इसमें से भी मैं थोड़ा सा डाल दे रही हूँ। और उसके बाद मुझे इसमें जो भी खड़े मसाले डालने होते हैं, जैसे कि जीरा, मेथी वगैरह, वो सब भी मैं डालूँगी। हींग डालूँगी। एंड ये स्पाइस बॉक्स है, इसमें सारे मसाले हैं, बट यहाँ जीरा ख़त्म हो चुका था। तो ये जो जीरा है ना, ये कल पूजा में भी यूज़ हुआ था, तो वहाँ पे थोड़े से जो आप सामान देख रहे हैं, घी है, नमक है और कुछ कुछ है, वो सारा पूजा वाला ही है, तो वो साइड में अभी फ़िलहाल रखा हुआ है, बाद में वो सेट हो जाएगा। तो यहाँ पे मैं डाल दे रही हूँ इस चीज़ को, जीरा को। उसके बाद मैं इसमें थोड़ा सा मेथी डाल दे रही हूँ, हींग डाल दूँगी। एंड जो साबुत मसाले गरम मसाले में होते हैं, जैसे बड़ी इलायची, तेज़पत्ता, ये सारा कुछ मैं इसमें ऐड कर दूँगी। एंड यहाँ पे मैंने डाला है दालचीनी, और छोटे छोटे जो भी गर्म मसाले में होते हैं ना, वो सब डाल देने से टेस्ट बहुत ही अच्छा आ जाता है। बहुत सारी चीज़ों का तो नाम भी नहीं याद होता है। जायफल मैंने थोड़ा सा डाला है इसमें। ये अच्छे से जब इसमें से सुगंध आने लगती है ना, समझ लो कि बहुत अच्छी खुशबू आने लगती है, तब मैं इसमें ऐड करूँगी जो मैं डाल रही हूँ ग्रीन चिली। आप रेड चिली भी डाल सकते हैं। वैसे भी ये रेसिपी मैंने बहुत बार शेयर की और सब लोग तो ऑलमोस्ट बनाते ही होंगे। तो बस इसको मैंने इसमें डाल दिया है। देन मैंने डाल दिया है ऑनियन, और इसको अच्छे से मैं भून लूँगी। और उसके बाद मैं थोड़ा सा मुझे इसको लहसुन भी इसमें डालना होगा। मैं लहसुन को थोड़ा सा क्रश कर लूँगी, और मैंने टमाटर को भी कट करके रख लिया है साइड में, आप वहाँ देख रहे हैं। एंड जो बॉईल हुए थे छोले, उसको भी मैंने साइड में रख लिया है। एंड यहाँ पे मैं ऐड कर रही हूँ टमाटर, और दूसरी साइड में आज हमारे घर में पतीले में बनेगा राइस, और यहाँ पे मेरी देवरानी बना रही थी। और यहाँ पे देखिए टमाटर वगैरह सब कुछ डाल दी हूँ, 2-3 सीढ़ी में लगा दूँगी। और राइस आज पतीले में बनने वाला, तो पहले तो वो पानी खोलने लगेगा, उसके बाद उसमें राइस ऐड करेंगे। तो राइस मैंने वॉश करके रख दिया था। एंड यहाँ पे मैं दिखाऊँ तो यहाँ राइस बन चुका था। मैं इसमें नींबू डाल रही थी, क्योंकि नींबू डालने से बहुत ही खिला खिला राइस बनता है। और उसके बाद ढक दूँगी। एंड उसके बाद क्या था, ये देखिए छोले भी बन चुके हैं। थोड़ा सा नमक ज़्यादा, तो मैं इसमें आटे के बॉल्स डाल रही हूँ। आप इस तरीके से, क्या होता है ना, आटा एब्जॉर्ब कर लेता है एक्स्ट्रा नमक को, आप इस तरीके से आप भी ट्राई कर सकते हैं। बस यहीं तक आज का ब्लॉग था। कल मिलूँगी आप लोग के साथ नेक्स्ट ब्लॉग में। ब्लॉग कैसा लगा ज़रूर बताना। बाय बाय, टेक केयर, लव यू ऑल।